इंदौर की एमआईजी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने पहले पीड़िता से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर झांसा देकर दुष्कर्म किया था। दरअसल एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की सोशल मीडिया पर नेहरू नगर में रहने वाले रोहन उर्फ राहुल से दोस्ती हुई थी। सोशल मीडिया पर चैटिंग के बाद मिलना जुलना शुरू हो गया। इसी बीच राहुल ने झांसे में लेकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और आए दिन प्रताड़ित करने लगा, जिससे परेशान छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे थाना एमआईजी क्षेत्र का प्रकरण है, संबंधित थाना क्षेत्र का है, जिसमें आज से करीब 6-7 महीने पहले पीड़िता उसके इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से जो चैटिंग होती थी उसका उसने फ़ायदा उठाकर उससे मतलब झांसे में देकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसी के एवज में उसे बार बार गलत काम करने के लिए उस पर दबाव प्रेशर बनाता रहा है। उस संबंध में पीड़िता ने हमारे लिखित शिकायत की थी और उस पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। कौन आरोपी है? आरोपी हमारे ही थाना क्षेत्र नेहरू नगर का रहने वाला है, रोहन है, रोहन उर्फ राहुल। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से दोस्ती नहीं बोल सकते हैं, एक सामान्य बोल सकते हैं कि चैटिंग हुई है, उसके बाद से उसका मिलना जुलना हुआ उससे, तो उसको फोटो एडिटिंग करके मतलब दबाव बनाकर धमका कर इस तरीके से उसे परेशान करने लगा। फिर संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा, अगर नहीं करता तो फिर उसको मतलब इस तरीके से दोस्ती नहीं बोल सकते हैं उस पर। 2022 में फरवरी के आसपास का बता रही है पीड़िता। उपनिरीक्षक सीमा शर्मा, थाना एमआईजी पर उपनिरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।